हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने घटना चक्र बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 100 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग बीजगणित से ही 101 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, अब मैंने सोचा है क्या कि जो भी प्रश्न एग्ज़ाम जो हमें जो अब नहीं आने वाली है, जैसे कि 11th 12th का जो प्रश्न है उसको मैं छोड़कर चलूंगा, क्योंकि वो जो है एग्ज़ाम में अब पूछेगा नहीं और उसका बनाने से कोई मतलब भी नहीं बनता है। मैंने ऐसे पीछे बहुत सारे प्रश्न ऐसे बना कर रख दिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे 2005 में, लेकिन अब जो इसके बाद 101 के बाद जो प्रश्न आएंगे उसको छोड़कर चलेंगे, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है। ओके, तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न 101 नंबर क्या है। तो देखिए, 101 नंबर प्रश्न, बिना किसी देरी के हम लोग प्रश्न को करेंगे। प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x-4 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए, x का मान तभी संभव है जब इसको अगर हम लोग कंप्लीटली तोड़े। ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 एकम 4, इस प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 5x-4 इक्वल टू 0, तो x का मान क्या होगा। तो इस 4 का फैक्टर करेंगे, तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 एकम 4, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 4x प्लस में x और माइनस में 4 इक्वल टू 0। इसमें से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 4 बचेगा। इसमें से अगर हम लोग x को कॉमन लेते, नहीं, क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 1। देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस रूल पे ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका गलत। ओके, तो x जब x का वैल्यू निकालना हो और जब ऐसे फैक्टर करके ना बने, ठीक है, फैक्टर करके ना बने, क्योंकि यहाँ पे अगर आप x इस दोनों में से क्या कॉमन निकालिएगा कि यहाँ जैसे x प्लस 4 है तो यहाँ भी अंदर में x प्लस 4 है, तो कोई कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र आता है x का मान निकालने के लिए, सीरीज धारा 4 रेजित हैं एक, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a, इसके अनुसार आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप x बराबर क्या होगा, b क्या होता है, x का कोफिशियंट यहाँ क्या है, प्लस में 5 है, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5, फिर प्लस माइनस रहेगा ही रहेगा, रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब क्या, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, अब माइनस में 4 इंटू में ए का वैल्यू देखिए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 इंटू में सी कितना है, माइनस में 4, तो माइनस 4, अब बट्टा में 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू तो कुछ नहीं, तो 1 ले लेते हैं। ओके, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर 25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 चौका 16, 16 25 कितना हो जाएगा, 25 16 41 होता है, अब बट्टा में 2a, यानी कि x का वैल्यू यही निकल कर आएगा। ठीक है, जब गुणनखंड विधि से x ना निकले तो श्री धराचार्य जी का एक जो रूल है, यही रूल के थ्रू आपको निकालना होगा, सॉरी 2a नहीं होगा, सिर्फ 2a बचेगा, 2 into 1 2, ठीक है, माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर, ये बी नंबर ऑप्शन। तो मैंने मुझे लगा क्या कि इसका फैक्टर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं, फैक्टर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो फैक्टर जब नहीं होगा तो किस रूल से चलेंगे, श्री धराचार्य नियम, ये जो रूल कहता है इसके। ओके, आगे देखिए 102 प्रश्न है, y बराबर 2x-1 बट्टा में x प्लस 3, तो y बराबर 1 तो x का मान बताना है, जहां y है वहां 1 पुट कर दीजिए तो x नहीं निकल जाएगा, माइनस 1 बट्टा में x प्लस 3, अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x-1 बराबर x प्लस 3, x इधर आएगा तो 2x में से x जाएगा x, और माइनस 1 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 3 और ये 4, ये नंबर। आगे देखिए 103 क्या कहता है, यदि x का वैल्यू दे रखा है a²-25 और बट्टा में a²-36, फिर एक दे रखा है x बाई वाई a-5/a-6। ओके, तो y का आपको मान बताना है कि क्या होगा, तो यहाँ जो x है, x के जगह पे आप इतना पुट कर सकते हैं। ओके, तो इसको अगर हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a²-5² 25 बट्टा में यहाँ a²-6² इस प्रकार, तो ये हो गया कितना, x बाई वाई, अब y में y करेंगे, y को 1 से, तो इधर हो जाएगा 1/y बराबर इधर जो है a-5 अब बाई में a-6। ओके, देखिए a²-b² को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी,
इंटू ए माइनस बी, सॉरी बी की जगह पे 5 है, फिर नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस 6 इंटू ए माइनस 6 और इंटू में 1 अपॉन वाई, क्योंकि वाई नीचे में है ही, ठीक है, हमको वाई ही निकालना है, तो ए माइनस 5 बाई ए माइनस 6। देखिए ए 5 यहाँ से ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी कि 1 अपॉन वाई को इधर जाने देंगे तो वाई ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 5 और बाई में ए प्लस 6। इसको यहाँ इसी को सिर्फ इधर करते हैं, बाकी बाद यही रहेगा, ए बाई 5 और ए बाई 6, ऊपर में 5 नीचे में 6, दोनों प्लस में सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, देख लीजिए। चलिए आगे देखिए, 104, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 5, आपसे एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 पूछा है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं के स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, क्या कर सकते हैं, के स्क्वायर माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, माइनस 2 घटा दीजिए, यानी कि 23, 23 कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन, ओके, तो ये हो गया। अब चलिए प्रोसेस, प्रोसेस क्या कहता है, ये ट्रिकी हो गया, प्रोसेस क्या कहता है कि हमको यहाँ 4 लाना है ना, तो दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए, ओके, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर, तो 4 यहाँ भी हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4, अब प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, इससे ये कट गया, यानी कि इतना का मान हमको निकालना है, एक्स पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 4, तो ये 2 उधर जाकर घटेगा, तो 25 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 23, तो यही 23 है, ठीक है, तो इसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, और ये ट्रिकी है, तो ट्रिकी याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद होता है तो प्रोसेस कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट 105, y का मान दे रखा है कितना, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और आपसे पूछा गया है क्या कि माइनस 2x माइनस 6 एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग स्क्वायर को इधर लाएंगे, इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, और ये 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, सॉरी y रूट में रहेगा और माइनस का 3 रहेगा, बराबर इधर क्या बचेगा, x, ठीक है, हमको इतना का वैल्यू बताना है, तो ये एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो देखिए माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या हम लोग पुट कर सकते हैं, वाई माइनस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ओके, यही रहेगा। चलिए अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो देखिए, इसको अगर पहले अंदर को सॉल्व कर ले, माइनस 2 को रूट से तो माइनस 2 रूट वाई, माइनस माइनस प्लस 6 माइनस में 6 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में कट गया, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और वाई रूट वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई, यानी कि 4y, देखिए ऑप्शन में 4y सी नंबर, ओके। आगे 106 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू बराबर 4 को अगर उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में 4, ठीक है, अब देखिए कि इसको कह रहा है ना कि हम किसके बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इसको तोड़ना है, तो हमें नहीं लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको तोड़ पाएंगे, या फिर अच्छे अच्छे टीचर भी इसको नहीं तोड़ पाएंगे, बिकॉज तोड़ने में क्या होता है ना कि अब किसको क्या घुमा कर लिखा है ये नहीं समझ में आता है, मतलब क्या है कि हमको यहाँ पे लाना है 4, ठीक है, तो हम x का वैल्यू अपने मन से 1 पुट करेंगे हर एक इक्वेशन में, ठीक है, अपने मन से पुट करेंगे, तो यहाँ देखिए कि 1 माइनस 1 0, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 और 1 2 और यहाँ 0, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, यानी कि इस वाले ऑप्शन में कितना आया, 2, ठीक है, लेकिन हमको करना कितना है 4, जो ऑप्शन हमको 4 देगी वही मेरा आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 1 और 1/1 मतलब क्या, x के बराबर 1 ले रहे हैं, ठीक है, 1 और 1/1 यहाँ 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ 1 और 1 2, और फिर यहाँ इससे ये कट जाएगा, 1 और 1 0 तो कट जाएगा, और ये यहाँ 2, तो 2 और 2 4 हो गया, 4 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 8 आया, ओके, यहाँ करेंगे तो ये 1 0 इससे इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ 1, और यहाँ 1 और 1 2 इससे ये कट जाएगा, 2 और 1 3, 3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, ओके, यहाँ पे देखिए ये इससे ये कट जाएगा क्योंकि 1 में से 1 जाएगा 0, तो यहाँ 1, यहाँ पे देखिए 2, 1 और 1 2, और फिर यहाँ पे इससे ये कट जाएगा और यहाँ 2, 2 2 कितना हो गया 4, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, यानी कि जो हमको 4 लाना था
ठीक है, वो चार किस में आ रहा है, डी नंबर ऑप्शन में। सो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन 100। देखिए ऑप्शन बी है डी, तो इसको इसी तरीके से कीजिए, बहुत अच्छा है, नहीं तो प्रोसेस के चक्कर में रहिएगा ना तो फिर पागल हो जाइएगा। चलिए आगे 107, एम पे पावर 5 - 16 एम का गुणनखंड बताना है। तो गुणनखंड करने के लिए दोनों में से एम को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ एम टू दी पावर 4, अब माइनस में यहाँ 16 बचेगा। ओके, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम स्क्वायर का स्क्वायर, अब -4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर -B स्क्वायर क्या होता है, a+b इंटू a-b, तो m इंटू में a+b, तो एम स्क्वायर प्लस में 4, और एक बार a-b, तो एम स्क्वायर -4। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अभी हम लोग और लिख सकते हैं एम इंटू एम स्क्वायर प्लस 4, तो ये तो रहेगा ही रहेगा इंटू में, इसको हम लोग लिख सकते हैं एम स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू एम स्क्वायर प्लस 4, और फिर यहाँ ए स्क्वायर -B स्क्वायर, तो a+b यानी कि m+2 और एक बार m-2, इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए इतना कहाँ है, m यहाँ है m-2, तो m-2 सभी गुना में होगा, फिर m+2, तो m+2, फिर m² यानी कि बी नंबर ऑप्शन। ओके चलिए आगे देखिए 108, एक्स प्लस 1/y का होल पे पावर ये है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स को वाई से गुना करेंगे, तो xy+1/y पे पावर ए इंटू में, इसको अगर करना होगा तो इसको वाई से गुना करेंगे, तो yx-1/y पे पावर बी बट्टा में है, इसको अगर करेंगे तो xy+1/y पे पावर ए इंटू में, इसको करेंगे तो xy-1/x पे पावर बी, इतना आएगा। ओके अब देखिए कि ये गुना में है, ठीक है, ये क्या है गुना में है, अगर हम लोग इसको क्या किस प्रकार लिख सकते हैं, अगर पलटी मार कर लिखे, ओके किस प्रकार लिखे, पलट कर लिखे, तो इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, सो देखिए इसको अगर हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, देखिए xy+1/y, और इसके बट्टा में अगर इतना को लिखते हैं, ठीक है, देखिए लिखने का तरीका इसमें आना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ पे x था तो ये x हो जाएगा, ओके यहाँ पे ये x होगा, ऊपर में ये y, नीचे में x और ये x, ओके अब इस दोनों को अगर हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते, तो इसको पलटी मारेंगे, तो यहाँ ये x हो जाएगा और बट्टा में ये क्या आ जाएगा, x इंटू वाई प्लस 1, ठीक है, ये टोटली, और पावर में a था तो a इंटू में, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो इसको हम लोग ये पलटी मारेगा, तो ये क्या हो जाएगा xy-1/y, और ये x ऊपर जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा xy-1 पे पावर बी। अब देखिए यहाँ पे xy इंटू वन, तो यहाँ क्या बचेगा xy पे पावर ए, यहाँ पे ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा xy पे पावर बी, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो xy पे पावर क्या हो जाएगा a+b। अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमसे क्या पूछा है कि ओ सॉरी मतलब इतना किसके बराबर होगा ये बताना है, तो देखिए ये होगा किसके बराबर, xy बराबर पे पावर a+b बी नंबर, ठीक है, या फिर इसमें भी वैल्यू पुटिंग आप x और y का कुछ करके निकाल सकते हैं। ओके आगे 109, सरल करना है, ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग x^4 है, तो ये आपस में क्या होगा, गुना होगा, तो गुना करिएगा, तो 4 3 12 माइनस में 4 2 8 है, ठीक है, फिर इंटू है तो यहाँ पे इंटू कर लीजिए, और इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो x पे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा x पे पावर 2a, को a से करेंगे तो 2a² और प्लस में 1 को a से करेंगे तो a, ठीक है, बट्टा में, अब इसको ये भागा है मतलब क्या है बट्टा में, तो इसको ले करेंगे तो x^3 - 6a माइनस में 10, और इंटू है तो इंटू, और यहाँ करेंगे तो x^a+1 को 2a से, तो यहाँ हो जाएगा 2a को a से करेंगे तो 2a, और माइनस में a, और फिर प्लस में 2a, और प्लस माइनस -1, इतना होगा। ओके
इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, जुड़ेगा। और ये ए कहाँ आएगा, ये प्लस में ए आएगा, ये ऊपर में इसके साथ में है प्लस में ए, ठीक है। तो एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, 12 - 8 ए, और प्लस का 2 ए स्क्वायर, अब प्लस का ए बट्टा में, फिर यहाँ पे अगर एक्स का निकालेंगे बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, तो 6 ए - 10 और प्लस 2 ए - ए + 2 ए - 1 इतना होगा, ठीक है। देख लेते एक बार या सही है या गलत है। देखिए 2 को ए से गुना करेंगे तो 2 ए स्क्वायर आएगा, 2 ए स्क्वायर, ओके। फिर 2 को ए से करेंगे तो 2 ए, ठीक है। फिर ए को 1 से करेंगे, इससे इसको किए इसको माइनस में ए आ गया, फिर इसको 2 ए से 2 ए, इसको -1, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको काटना है, काटना किस प्रकार है, तो 2 ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर कट गया, ओके। अब बेस दोनों का सेम है, ओके। तो पावर में यहाँ 8 है और 1 में से जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, माइनस में ए है, ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर गुना में था, पावर जुड़ गया। तो एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, तो माइनस में 7 ए + 12 बट्टा में। नीचे में अगर एक्स पे पावर कितना है, 6 ए 10 और में 1 11, 2 ए और 6 ए 8 ए और 10 और 1 11, माइनस में 11, ठीक है। अब इसके बाद 10 और 6 में से 1 जाएगा, तो 5 और 2 7 ए, माफ कीजिएगा, ठीक है। और 10 और -1 11, ठीक है। अब चलिए दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो एक्स पे पावर -7 ए + 12, अब माइनस का 7 ए, अब माइनस माइनस होता है +11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 12 और 11 कितना होता है, 23, अब माइनस 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 से रहेगा, 7 × 14 ए, तो एक्स पे पावर इतना आएगा, ठीक है। एक्स पे पावर 23 - 14 ए, एक्स पे पावर 23 - 14 ए, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्या है, घातांक एवं करणिक का प्रश्न है, इसको बीजगणित में डाल दिया गया है, ओके। आगे देखिए 110, a - b = 5 है, आपको a² + b² = 31, तो ए भी पूछा गया है कि क्या होगा, तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा a² + b² - 2ab = 5² 25। हमको ए बी का वैल्यू बताना है, a² b² 31 दे रखा है, 31 इधर आकर घटेगा, तो 2ab = 25 - 31, माइनस का 2ab 25 में से 31 जाएगा, तो माइनस का 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 3 6, यानी कि ए बी का मान कितना निकल गया, 3, ऑप्शन नंबर डी, ओके। आगे देखिए 111, सरल कीजिए, ए पे पावर -1 का मतलब होता है 1/a, बी पे पावर -1 का मतलब होता है 1/b, भाग में है 1/, माइनस में मतलब क्या, a² था, प्लस में 1, सॉरी माइनस है, 1/b पे पावर माइनस मतलब b² था, ठीक है। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ ए बी हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा a + b भागा, इधर अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे में a² * b² होगा, ऊपर में हो जाएगा a² - b², ओके। अब देखिए a + b / a b, ओके, और भाग में है तो भागा, इसको हम लोग लिख सकते हैं a + b (a - b), इसको, और नीचे वाला तो जस का तस रहेगा, a * b² होल स्क्वायर। अब ये भाग में है तो ये पलटी मारेगा गुना में, तो किस प्रकार, तो a + b / ab इंटू में यहाँ हो जाएगा ab² कर लेते हैं कि, ठीक है, दोनों पे, और नीचे वाले को लिख सकते हैं a + b (a - b), यहाँ इससे ये कट जाएगा और ये ए बी से एक ए बी कट जाएगा, तो बचा क्या, ab / a - b, ab / a - b, ab / a - b। देखिए ab / यहाँ b - a दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ b - a, यहाँ पे सही में प्रॉब्लम हो गई, a से a कटेगा तो यहाँ b² आएगा, ओके, और b से b कटेगा तो यहाँ a² आएगा, ठीक है। तो b² - a² तो b + a, या फिर इसको, लेकिन यहाँ पे आपको उलट कर लिखना होगा, ठीक है, यानी कि b - a बचेगा,
ठीक है, ए प्लस बी ए बी बाई ए माइनस बी, बी माइनस ए बी नंबर ऑप्शन। ठीक है आगे 112, 5x² माइनस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। आपसे पूछा गया है x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर कितना होगा। सबको हम लोग क्या करते हैं, x से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचा 5x और यहाँ क्या बचा 5yx बराबर माइनस 6, इधर आएगा तो 6। ठीक है, दोनों में से अगर हम लोग 5 को कॉमन ले ले तो यहाँ x माइनस 1 अपॉन x बराबर 6, तो x माइनस 1 अपॉन x बराबर ये 5 कहाँ चला जाएगा, इधर बट्टा में, तो x माइनस 1 अपॉन x बराबर 6/5। और इतना का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, यानी कि 6/5 का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 36/25, 36/25। ओके आगे 113, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के पावर में है होल स्क्वायर बराबर 324। तो आपसे पूछा गया है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। 324 होता है 18 का मान, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 18। अब इसको हमको लिखना है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स के टर्म में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो यहाँ का आ गया प्लस का 2x इंटू 1 अपॉन एक्स बराबर 18। ठीक है, ऐसा ही कुछ आएगा, अगर देख लेते हैं तोड़ कर क्या इतना आता है कि नहीं आता है, इतना अगर आ गया तो ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इंटू 1 अपॉन एक्स बराबर 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, तो यहाँ से इस फिर यहाँ पे प्लस में जो लिखे थे 2x इंटू 1 अपॉन एक्स बराबर 18, इससे ये प्लस में ये माइनस में, यानी कि इतना बराबर इतना, यानी कि ये मेरा जो लिखा हुआ है क्या है, परफेक्ट है। ओके, तो ये इससे ये कट गया, दो उधर जाएगा। ठीक है, तो 18 में से दो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, 18 में से दो जाएगा तो 16, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, 16 का रूट 4, यानी कि एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना होगा, 4, ए नंबर ऑप्शन। ओके आगे 114, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100 दे रखा है, और आपको दे रखा है कि ए रेशियो बी जो है 1:3 है, तो बताना है कि ए बी का मान क्या होगा, ए इंटू बी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ए और बी है, तो ए और बी को अगर हम लोग यहाँ पे इसके साथ एक्स ले लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स, और यहाँ 3x का होल स्क्वायर बराबर 100, 3x और एक्स 4x स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100/16 का रूट, तो 100 का रूट कितना होता है 10, और 16 का रूट 4, यानी कि ए बी एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो x क्या है 10/4, और b क्या है 3 इंटू 10/4, और इस दोनों को आपस में गुना भी करना है तो गुना कर दीजिए, 10 3 30, 30 3 आई, देखिए ना 10 100 गुना में 3, 300 बट्टा में 4 चौका 16, तो 300/16 को अगर भाग लगाइएगा तो 16 एकम 16, 14 140। देखिए इसको जब भाग लगाइएगा ना तो 16 25 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, 18 पॉइंट समथिंग आएगा, और 18 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी नंबर। ठीक है आगे 115, ए बाई बी बराबर 1/4। देखिए यहाँ पे ए बराबर 2 दे रखा है, तो पहले आपको ए बी सी लिखना निकालना है, तो ए बी सी, ए कितना है 1, बी कितना है 4, इसमें बी कितना है 1, सी कितना है 8, तो रेशियो को बराबर करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 4, 1 को 1 से तो 1, 4 को 1 से तो 4, और 8 को 4 से तो 32। ओके, आपसे ए का वैल्यू दे रखा है 2, ए क्या यूनिट है, 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो सी का मान पूछा है, सी 32 यूनिट है, तो 32 इंटू 1 यूनिट का मान 2, तो 32 दूना 64, डी नंबर। ओके आगे 116,
देखिए यहाँ पे कि x बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर वाई बाई इतना बराबर वाई जेड वाई इतना है बराबर ए है, तो हमसे पूछा गया है क्या कि ए का वैल्यू ज्ञात करना है, लेकिन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये सब जो है जीरो के इक्वल नहीं है। तो हम लोग एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर टू को पुट करते हैं, ठीक है, जहाँ भी एक्स है जहाँ भी वाई है जहाँ भी जेड है वहाँ दो को पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, अगर हम लोग दो बट्टा में दो दूना चार प्लस दो प्लस दो, यानी कि दो बट्टा में चार दो छः दो आठ, यानी कि वन अपॉन चार, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना आया वन अपॉन चार, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए वन अपॉन फोर, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, बहुत आसान, ठीक है। आप एक भी लेकर पुट कर सकते हैं, एक बट्टा में दो एकम दो एक तीन और एक चार, ठीक है, तो जो भी वैल्यू पुट कीजिएगा बराबर पुट कीजिएगा आंसर आपका आ जाएगा। आगे 117, 2x+3=9, तो 3x+2=2 कितना होगा, तो यहाँ पे 2x है तो x निकालेंगे तो 3 उधर जाएगा तो 6, 2x=9 में से 3 जाएगा तो 6, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 3, x का वैल्यू 3, 3 यहाँ पुट कीजिए तो 3 3 जा 9 और प्लस में 2 यानी कि 11, डी नंबर। आगे 118, ए और माइ ए प्लस टू बी बराबर जो है 55 दे रखा है और ए माइनस टू बी बराबर माइनस का 13 दे रखा है, आपसे बी पूछा है कि कितना होगा, तो बी निकालना है तो ए को हटाइए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, ए से ए कट गया, टू बी फोर बी बराबर 55, 3 58 10 68, चार से काटेंगे 17 चौका होता है 68, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 17, सी नंबर। आगे देखिए 119, गुणनखंड करना है तो m को अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा एम स्क्वायर माइनस फोर, इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं एम स्क्वायर, अब माइनस दो को ए स्क्वायर लिख सकते हैं, चार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं तो ए प्लस बी, तो एम प्लस टू इंटू ए माइनस बी तो एम माइनस टू, इस फॉर्म में देखिए कहाँ है ऑप्शन, डी नंबर आपको दिख रहा है एम इंटू एम प्लस टू इंटू एम माइनस टू, तो राइट आंसर डी, ठीक है। आगे 120, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 13 का मान कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, किससे, 4 से 5 से 4.5 से, या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ऐसा भी है ऑप्शन में, तो बराबर करेंगे क्या 0, इसका अगर फैक्टर करेंगे तो 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 को ऐसा कोई फैक्टर हम लोग नहीं कर सकते हैं कि 13 लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो है एक्स का वैल्यू जो है हमेशा निकलेगा, तो श्री धाराचार्य रूल के अनुसार माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए, इसी पे ये एक्स का वैल्यू निकलेगा क्योंकि यहाँ पे इसका फैक्टर नहीं कर सकते हैं। ओके, जब फैक्टर नहीं होगा तो आप उसका गुणनखंड जब तक नहीं होगा एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो उसके अनुसार उसके बाद जो है रूल निकालने का तरीका क्या होता है, श्री धाराचार्य नियम, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, ठीक है। तो चलिए बी क्या होता है, एक्स का कोफिशियंट यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस छः का स्क्वायर 36 माइनस फोर इंटू में ए, एक्स का कोफिशियंट स्क्वायर का कोफिशियंट 1 इंटू में सी 13 बाई में 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है तो 2 ही रहेगा। ओके, इसको अगर हम लोग करेंगे तो 6 प्लस माइनस रूट अंडर 36, 13 चौका 52, 36 में से 52 जाएगा तो 36 चार 10 चार 14 और 2 16, यानी कि माइनस में 16 बाई में 2। अब देखिए माइनस में 16 का मतलब क्या है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 16 को इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस 16 को 4, और देखिए रूट अंडर देखिए 4 इंटू में माइनस में 4, ठीक है, इस प्रकार 4 चौका 16, ठीक है, तो दोनों में से एक चार बाहर निकलेगा, लेकिन माइनस में आई, इसका निकालने का मतलब क्या है कि माइनस में रूट, देखिए ना रूट आई का मान होता है क्या, मैंने शुरू में ही बताया था कि आई ए स्क्वायर बराबर माइनस में होता है, ठीक है, रूट अंडर वाला जो बताए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4i, ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हैं 4i बाई टू, और ये आई लगने का मतलब क्या है कि ये इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर क्या किसको कहते हैं, जिसको हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ओके, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग सिर्फ कल्पना करते हैं, तो ये जो नंबर हो गया ये कौन सा नंबर हो गया,
कल्पना करने वाला, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर है तो इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जो चीज़ को आप कल्पना कर सकते हो उसको कभी भी संभव नहीं है कि आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ही आई लग गया उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ओके चलिए आगे। 121 पी स्क्वायर बराबर 16, क्यू स्क्वायर बराबर 36। आपसे क्यू माइनस पी का सबसे अधिक संभव मान पूछा है कि क्या होगा। तो क्या हो सकता है, यहाँ पी बराबर रूट अंडर 16, रूट अंडर 16 का मान कितना होगा 4। यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर 36, यानी कि क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे ये क्या होता है कि रूट जब निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है, यहाँ भी जो निकलेगा प्लस माइनस में निकलेगा। हमको सबसे अधिक संभव मान होगा, तो अगर दोनों को प्लस में लेंगे तो 6 माइनस 4 यानी कि 2 हो सकता है, लेकिन हमको अधिक बताना है, दो ऑप्शन में है, टिक मार के नहीं निकलिएगा। अगर हम लोग क्यू का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं 6, लेकिन पी का वैल्यू माइनस में निगेटिव ले सकते हैं -4, तो 6 माइनस माइनस प्लस 4, यानी कि 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, यानी कि 10 भी तो हो सकता है। ठीक है, तीसरा संभव क्या हो सकता है कि इसका वैल्यू अगर निगेटिव ले ले माइनस में, इसका वैल्यू ले ले निगेटिव माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर माइनस में 10 होगा तो वो और निगेटिव हो जाएगा, यानी कि यही मान संभव है जो कि सी नंबर ऑप्शन है 10। ऑप्शन में देखिए जी हाँ सी है। ठीक है चलिए आगे। 122 ए पे पावर एक्स बराबर बी पे पावर वाई बराबर सी पे पावर जेड है। आपसे बोला गया है कि बी स्क्वायर जो है ए सी के बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू पुट कर लेंगे कितना 2। तो जब 2 का स्क्वायर यहाँ 4 और 2 गुना 2 करेंगे तो 4, क्योंकि तीनों का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं 2। ठीक है, तो ए बी सी के जगह पे अगर दो दो पुट करेंगे तो 2 पे पावर x बराबर 2 पे पावर y बराबर 2 पे पावर z, यानी कि सबका बेस सेम है तो ये पावर भी क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि x बराबर y बराबर z, यानी कि जितना भी हम लोग x लेंगे वो y भी उतना ही होगा, z भी उतना ही होगा। 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, कुछ भी लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन में अब पुट करते हैं, कोई भी डाटा लेकर उतना ही हमको आंसर भी आना चाहिए। अगर हम लोग 2 लेंगे तो आंसर 2 आना चाहिए, 3 लेंगे तो आंसर 3 आना चाहिए, 4 लेंगे तो आंसर 4 आना चाहिए। तो हम लोग आंसर लेकर चलते हैं कि हमको 4 आना चाहिए मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे 4 जो का 16, 4 4 8, 8 को 16 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। यहाँ पे 4 लेंगे तो 4 में से 4 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन चेक करके देख लीजिए कि 2 × 4 × 4 बट्टा में 4 और 4 8, 4 × 8 2 से 2, यानी कि बचा कितना 4। 4 लेने पे आंसर भी 4 आया। ठीक है, अगर आप 2 लेकर देखिएगा तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन में 2 लीजिएगा तो 2 × 2 × 2 बट्टा में 2 2 4, 2 2 4 से 4 कटा, यानी कि 2 पुट किए 2 तो 2 आंसर आया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके वैल्यू पुटिंग। ठीक है चलिए आगे देखिए। 123 प्रश्न है, 3 टू द पावर x बराबर 4 टू द पावर y बराबर 12 टू द पावर -z इक्वल टू, एक कांस्टेंट हम लोग मान लेते हैं कि बराबर है k, तो इसको इसके बराबर, फिर इसको इसके बराबर, फिर इसको इसके बराबर हम लोग दिखाएंगे। तो 3 टू द पावर x बराबर k, तो यहाँ से अगर हम लोग k निकालेंगे या फिर 3 निकालेंगे तो k k पे पावर क्या हो जाएगा, 1/x। ओके इस प्रकार अगर यहाँ से हम लोग 4 निकालेंगे तो बराबर k पे पावर क्या हो जाएगा, y। यहाँ से 12 निकालेंगे तो k पे पावर कितना हो जाएगा, अगर 12 जब निकालेंगे तो k पे पावर हो जाएगा माइनस में 1/z, यहाँ पे 1/y होगा, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है, अगर देखिए कि यहाँ पे के सब में बराबर है तो हम लोग 12 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 4 × 3 बराबर के पे पावर -1/z। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ ये और ये दोनों इसका LHS बराबर RHS है। ठीक है, तो ये इसके और इसके इक्वल हम कर सकते हैं, या फिर इतना के जगह पे हम इसको तो पुट कर सकते हैं। ठीक है, इतना के जगह पे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के पे पावर 1/y × 3 बराबर के पे पावर -1/z। ठीक है, इस दोनों में देखिए कि बेस सेम है। ओके, तो पावर, या फिर हम लोग यहाँ से 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के पे पावर -1/z और ये बट्टा में आएगा के, तो पावर डिवाइडर में रहता है तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी कि 1/y आएगा। इसका भी LHS बराबर, इसका भी LHS बराबर, तो RHS बराबर हो जाएगा के पे पावर 1/x
बराबर इधर हो जाएगा के पे पावर वन अपन माइनस में जेड माइनस में वन अपन वाई, दोनों का के बराबर है ठीक है, तो ऊपर वाला भी क्या होगा आपस में बराबर होगा, तो वन अपन एक्स बराबर माइनस में वन अपन जेड माइनस में वन अपन वाई ठीक है। अब इसको अगर हम लोग इस साइड में लाते हैं, इस दोनों को इस साइड में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन अपन एक्स माइनस, सॉरी माइनस में तो प्लस में वन अपन वाई को पहले लिख लेते हैं, प्लस वन अपन जेड इक्वल टू क्या होगा जीरो। इतना ये हमारा निकल के आया रिजल्ट। हमसे पूछा है थ्री अपन एक्स थ्री अपन वाई थ्री अपन जेड, तो तीनों में थ्री है तो थ्री को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा वन अपन एक्स वन अपन वाई वन अपन जेड इक्वल टू वन अपन एक्स वन अपन वाई वन अपन जेड जीरो। तो जीरो को तीन से गुना करेंगे तो जीरो, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा जीरो, डी नंबर ऑप्शन ठीक है। तो समझ गए, चलिए आगे 124 देखिए। 9x² माइनस 12x प्लस 16 और इनटू में है 3x + 4 को सरल करना है कि क्या होगा। तो सरल करने के लिए क्या कीजिए कि x का वैल्यू आप 2 पुट कर लीजिए, ओके, क्योंकि आपको सरल करना है। तो 9 × 2² 4 माइनस 12 × 2 तो 24 + 16 ओके। और यहाँ पे 3x 3 × 6 + 4 ठीक है, 9 × 4 = 36 और 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 6 × 6 = 12, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28 और इंटू में 10 यानी कि 280। अब जो ऑप्शन 280 देगा वो मेरा राइट आंसर होगा। तो ए नंबर ऑप्शन में पुट कीजिए एक्स का वैल्यू 2, 27 × 2 का क्यूब होता है 8 + 64, 8 × 7 = 56, 8 × 2 = 16, 5, 16 × 5 = 21 और प्लस में 64, 6 × 4 = 10, 6 × 1 = 7 और 1 × 8 = 2, 280 बराबर 280 यानी कि ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ओके। आगे 125 वाई अनुलोमानुपाती है x + 3 के, x + 3 के लोमानुपाती है, यानी कि अगर इस लोमानुपाती के सिंबल को हटाने के लिए अगर बराबर जब यहाँ लिखेंगे तो इसको एक कांस्टेंट के से गुना किया जाता है ओके। कांस्टेंट एक के से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 8 है, तो x के जगह पे y के जगह पे 8 बराबर के इंटू एक्स के जगह पे 1, तो 3 और 1 = 4 इंटू में 4, तो एक्स का के का वैल्यू कितना हो गया 2, के का वैल्यू कितना हो गया 2। तो कहता है एक्स बराबर 2 के लिए वाई का मान क्या होगा, एक्स बराबर अब 2 के लिए, तो इस वाली इक्वेशन में वाई का मान निकालना है, के का वैल्यू तो 2 निकला इंटू में एक्स के जगह पे 2 पुट करना है और 3 तो है ही, तो वाई बराबर 2 × 3 = 5, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी कि वाई के किस मान के लिए, तो वाई का मान कितना हो जाएगा 10, सी नंबर ठीक है। दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे। देखिए लोमानुपाती मतलब इस प्रकार का सिंबल होता है ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।